एनएचएम लैब टेक्नीशियन पारामेडिकल जेएसएल के सैकड़ों कर्मचारी लगातार कई दिनों से अपनी मांगों को लेकर राजभवन के समक्ष धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई आला अधिकारी व मंत्री इनसे हाल चाल पूछने तक नहीं आया। उसी के आक्रोश में आज पूजा अर्चना कर मंत्र उच्चारण करते हुए यज्ञ हवन कुंड बनाकर हवन करते हुए सरकार से अपनी मांग पूरी करने की गुहार लगाई गई। वहीं एक और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े सहायक एनएचएम जेएसपीएल के कार्यरत कर्मचारी राजभवन के समक्ष डटे हुए नजर आए। जैसलमेर में कार्यरत और संविधान में हमारा अधिकार दिया उसी अधिकार का मांग रहे हैं, लेकिन हमारा संविधान का जो अधिकार उसी का हनन हो रहा है। काम हम कर रहे हैं, मांग पैसा हम रहे कि मेरे खाता में दे, लेकिन जो संवैधानिक अधिकार है उसका भी हनन हो रहा है। जैसलमेर के द्वारा जो नीति बनाया गया तो उस नीति पे भी जैसलमेर के अधिकारी कायम नहीं है। उसी के लिए आज हम लोग 40वां दिन हो गया है, उसी के लिए हम सद्बुद्धि के लिए माननीय के सद्बुद्धि के लिए और उनके जो डेडलाइन टाइमलाइन था कि 15 जनवरी तक आपका जो भी मांग है सभी मांग को पूरा कर दिया जाएगा, लेकिन आज 20 जनवरी पूरा हो गया है फिर भी हमारे मांगों पर कोई विचार नहीं हुआ है। देखिए, हवन का जो कार्यक्रम है वो सरकार को याद दिलाने के लिए है। भगवान से विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, हे बिरसा मुंडा, यहाँ का धरती बहुत पवित्र है और ये हेमंत दा को वो याद आ जाए कि जो 3 महीने में उन्होंने बताया था कि आप लोग को परमानेंट किया जाएगा। आज बहुत दुर्भाग्य है कि इस हवन के माध्यम से भगवान से विनती कर रहे हैं कि इनको याद आ जाए। सरकार की सद्बुद्धि के लिए यहाँ पर हवन कर रहे हैं। लगातार 16 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अब थक चुके हैं हम लोग सब, की सीमा हम लोग की खत्म हो गई है। अब हम लोग इतने 16,000 का कम मानदेय में इतने थक गए हैं, जिस तरह हम चाहते हैं कि उन्होंने 2014 में किया था नियमितीकरण, उसी तरह अब हम लोगों को भी नियमित कर दें, क्योंकि इतने पैसे से हमारी घर गृहस्थी अब नहीं चलती है, हमारे भी बच्चे हैं, हम लोग भी बीमार पड़ते हैं।